नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज टॉक में। पीएम मोदी के पीछे खड़े सभी सिक्योरिटी गार्ड क्यों लगाते हैं काला चश्मा, 99% जनता को नहीं मालूम होगा। आपने किसी वीआईपी शख्स के पीछे खड़े बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी गार्ड को कभी ध्यान से देखा है? अगर देखा है तो क्या इस बात पर गौर किया है कि उनकी आंखों पर हमेशा काला चश्मा क्यों लगा होता है? आइए जानते हैं किन खास वजहों से सुरक्षाकर्मी आंखों पर हमेशा सनग्लास लगाकर रखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के पास दुश्मन की हरकत को भांपने का सबसे बड़ा साधन होता है आंख। ये लोग इस तरह से प्रशिक्षित होते हैं कि आंख और शारीरिक भाषा पढ़कर आपके अगले कदम को पढ़ सकते हैं। दुश्मन कोई ऐसा कदम ना उठा सके, इसीलिए सुरक्षाकर्मी अपने आंखों पर सनग्लास के पर्दों का सहारा लेते हैं। दरअसल सुरक्षाकर्मी मुस्तैदी के दौरान असल में कहां देख रहे हैं, इस बात को छुपाने के लिए सनग्लास का सहारा लिया जाता है। उनकी नजर किस पर है और वो कहां देख रहे हैं, इस बात का अंदाजा वो किसी और को लगने देना नहीं चाहते। अगर आपके सामने अकस्मात कोई विस्फोट होता है, झटका लगता है या फिर गोलियां चलने लगती हैं, तो जाहिर है कि आपकी आंखें कुछ पल के लिए स्वाभाविक रूप से बंद होती हैं। ऐसे वक्त में आम लोगों से इतर इन सुरक्षाकर्मियों को हर हाल में अपनी आंख खुली रखनी होती है। इसके लिए जरूरी होता है वैज्ञानिक सपोर्ट, जिसमें ये चश्मे मददगार साबित करते हैं। बहुत साधारण सी और स्पष्ट वजह है कि भगदड़ हो, धूल भक्कड़ हो या फिर कैसी भी स्थिति हो, इन सुरक्षा कर्मियों को अपनी आंख को साफ स्वस्थ रखने के लिए सनग्लास का सहारा लेना होता है। कैसी लगी ये खबर कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट देना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की रोचक और मजेदार जानकारियों और खबरों के लिए द न्यूज टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।